प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का किया उद्घाटन। राजगीर में बनकर तैयार हुआ नया कैंपस। प्राचीन यूनिवर्सिटी का प्रधानमंत्री मोदी ने किया दौरा। नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत और वैभव से हुए परिचित। नए 40 क्लासरूम के कैंपस में 1900 छात्रों के बैठने की है व्यवस्था। आधुनिक सुविधाओं से लैस 455 एकड़ में बनाई गई यूनिवर्सिटी। 815 सालों के लंबे इंतजार के बाद अपने पुराने स्वरूप में लौटा विश्वविद्यालय। भारत ईस्ट एशिया समिट के गठजोड़ से बनी यूनिवर्सिटी। 17 देशों से आए हुए विदेशी मेहमान भी शामिल। बजट सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अर्थशास्त्रियों के साथ आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा। सरकार टैक्स में कटौती करने और अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाने पर कर रही है विचार। पांव धुलवाने के मामले में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने नाना पटोले पर बोला हमला। बोला गुलामी का नया चेहरा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान शुरू। सीटों को लेकर शुरू हुई तनातनी। एनडीए गठबंधन के नेता रामदास आठवले ने 8 से 10 सीटें की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेडीयू नेता देवेश ठाकुर के बयान पर मिलाई हां में हां। कहा मुझे भी मुसलमान नहीं देते वोट। पहले देवेश ने कहा था मुसलमान और यादव का नहीं करेंगे काम। गिरिराज बोले भारत को गजवा हिंद बनाना चाहते हैं ये लोग। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान किसान निधि जारी करने पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। किसान का बदहाली दूर करने का 10 साल से जारी है प्रयास। शिवराज सिंह चौहान ने कहा 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में किसानों का रहेगा बहुमूल्य योगदान। कृषि को कमाई का जरिया बनाने के लिए सरकार है प्रयत्नशील। 100 दिन की कार्य योजना भी तैयार है, फिर 5 साल की कार्य योजना और 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृषि का रोड मैप क्या होगा उस पर भी हम तैयारी कर रहे हैं। धर्मशाला पहुंचा अमेरिकी डेलीगेशन। तिब्बतीय धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात। बिहार में अपराधियों पर नीतीश सरकार ने शिकंजा कसने का लिया फैसला। हर जिले में होगा एसआईटी का गठन। नीतीश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का बयान। अवैध हथियार के साथ देखने पर अपराधी को मारी जाएगी गोली। कैबिनेट के फैसले का दिया हवाला। बिहार सरकार ने फैसला लिया कि प्रत्येक जिला में एसआईटी का गठन होगा और अवैध रूप से जो राइफल गोली लेकर चले थे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारेंगे। आदेश सरकार का देना है। बिहार के रुपौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में आरजेडी ने घोषित किया उम्मीदवार। आरजेडी ने एक बार फिर बीमा भारती पर जताया भरोसा। बीमा भारती ने कल किया था जल्द आरजेडी का सिंबल मिलने का दावा। लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्णिया में पप्पू यादव से परास्त हुई थी बीमा भारती। नतीजे में तीसरे पायदान पर रहने के बावजूद आरजेडी बीमा पर जताया भरोसा। किरण चौधरी के बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चाओं पर जेपी दलाल का बड़ा बयान। कहा अपना घर संभाले कांग्रेस, बहुत से नेता हमारे संपर्क। सीएम सैनी ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस में परिवारवाद चरम पर, प्रतिष्ठित लोगों को नहीं मिल रहा सम्मान। हरियाणा सरकार के मंत्री जेपी दलाल ने किरण चौधरी के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस पार्टी नहीं परिवारवादी गिरोह। किरण चौधरी के इस्तीफे पर बोले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा टिकट वितरण को लेकर किरण चौधरी की अपनी सोच। सही टिकट वितरण हुआ था इसलिए कांग्रेस की आई 5 सीट। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा। बोले लोकसभा चुनाव हार होने के बाद विधानसभा चुनाव में पूरी साफ हो जाएगी बीजेपी। वाराणसी में लगातार तीसरी बार जीत के बाद पहली बार काशी पहुंचे प्रधानमंत्री। किसानों से किया संवाद और बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। बोले प्रधानमंत्री मां गंगा ने मुझे लिया है गोद। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को दी सौगात। किसान सम्मान निधि की जारी की 17वीं किस्त। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में गए 20,000 करोड़ रूपए। कृषि सखियों को भी दिया प्रमाण पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। भव्य गंगा आरती में हुए प्रधानमंत्री शामिल। जेपी नड्डा की अगुवाई में दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। अमित शाह अश्विनी वैष्णव रहे मौजूद। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन। हरियाणा पर हो चुकी है चर्चा। लोकसभा स्पीकर को लेकर एनडीए में मंथन जारी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने सहयोगियों से मांगे नाम और सुझाव। सहयोगियों ने कहा वो प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के साथ। पीएम मोदी के स्वागत में महिलाएं उतरी सड़क पर, किया जमकर डांस। प्रधानमंत्री वाराणसी सिगरा स्टेडियम का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान योगी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी 3.0 में फिर शुरू होगा मन की बात कार्यक्रम। 30 जून को होगा पहला कार्यक्रम। बीजेपी देश भर में निकालेगी मतदाता अभिनंदन यात्रा। तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का पीएम बनाने के लिए मतदाताओं को देगी धन्यवाद। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी कांग्रेस में लौटेंगे। अभिजीत मुखर्जी के पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के आसार।
नीट मामले पर ओवैसी ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा, बोले नीट जैसी परीक्षा को एनडीए ने मजाक बना रखा है, बच्चों की कई साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। नीट मामला तो ये एनडीए बेकार है, एक मजाक बन चुका है और जो इल्म हासिल कर रहे हैं ये बीजेपी एंटी एजुकेशन की सरकार है। नीट परीक्षा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लेफ्ट छात्र विंग आयसा ने आज से दो दिन का राष्ट्रव्यापी बंद बुलाया। नीट रिजल्ट विवाद में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, कहा 0.01% भी गड़बड़ी हुई तो होगी कठोर कार्रवाई। 8 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई। नीट विवाद मामला थमता नजर नहीं आ रहा, देश भर में प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। नीट परीक्षा में धांधली पर राहुल गांधी बरसे, कहा बीजेपी शासित राज्य बन चुके हैं पेपर लीक के एपिसेंटर, प्रधानमंत्री अब तक इस मामले में मौन क्यों। नीट परीक्षा विवाद पर सियासत तेज, दिल्ली के जंतर मंतर पर संजय सिंह बोले संसद में उठाएंगे छात्रों का मुद्दा। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं इस देश के उन परिवारों को जो दुखी है, इस देश के उन नौजवानों को जो दुखी है, जो परेशान है, जो पीड़ित है, देश की संसद में भी आपकी आवाज को आम आदमी पार्टी के सांसद पूरी बुलंदी के साथ उठाएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कलराज मिश्र, आचार्य देवव्रत, आरिफ मोहम्मद खान का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। राज्यपाल की रेस में अश्विनी चौबे, वीके सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन। आज शिवसेना के स्थापना दिवस पर उधव गुट और शिंदे गुट में शक्ति प्रदर्शन। 19 जून 1966 मुंबई में शिवसेना की हुई थी स्थापना, 55 साल की हुई शिवसेना। वायनाड से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद विरोधी प्रत्याशी को लेकर अटकलें तेज, राहुल से हारने वाली सीपीआई के एनी राजा ने कहा पार्टी लेगी फैसला। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राम ने प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज किया, कहा वाराणसी की सीट से दोबारा लड़े चुनाव, अगर जीते तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर कसी कमर, हिमाचल की एक और पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर उतरे प्रत्याशी। चुनाव बाद हिंसा की जांच के लिए दक्षिण 24 परगना के अमताला में पहुंची बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम, पीड़ितों से की बात, कहा ममता सरकार के पाप का घड़ा फूटेगा। दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की बेल याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही। स्वाति मालीवाल का इंडिया ब्लॉक के नेताओं को पत्र, सीएम हाउस बदसलूकी मामले में मांगा सपोर्ट। बेंगलुरु कोर्ट ने सेक्स टेप मामले में प्रज्वल रेवन्ना को 18 जून तक एसआईटी की हिरासत में भेजा। अररिया के पड़रिया घाट पर उद्घाटन से पहले ध्वस्त हुआ करोड़ों का पुल, पुल के 3 पिलर नदी में गिरे, 12 करोड़ के बजट से बना था पड़रिया पुल। पटना एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटे सुरक्षाकर्मी, चप्पे चप्पे पर बॉम्ब स्क्वाड और सुरक्षा बल तैनात। योग दिवस की तैयारियां तेज, दिल्ली के लोधी पार्क में 21 जून को मनाया जाएगा 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। घटना के विरोध में समाजवादी पार्टी का हंगामा, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मॉब लिंचिंग का आरोप लगाकर प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। 12 में शिक्षक दंपति से होगी 9 करोड़ 31 लाख की रिकवरी, अपनी नौकरी के बदले डमी टीचर से करा रहे थे काम। लखनऊ में कॉलेज से बैंक खाते से 120 करोड़ रुपए की ठगी, मामले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के एटा में शिकायत दर्ज कराने आए युवक की थाने में भूख प्यास से मौत, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मंडी में फॉरेस्ट फायर की 330 घटनाएं, 128 मामलों की पुलिस को सौंपी जांच। मंडी जिला में इस बार 3112 हेक्टेयर वन भूमि जलकर हुई स्वाहा, आग लगने से करीब 1 करोड़ का आका गया है नुकसान, पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हुई फॉरेस्ट फायर की घटना। पठानकोट में वन्य जीव अभयारण्य में आग लगने की घटना, दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर में रामनगर के जंगलों में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर तक फैली आग। झांसी में खाई में गिरी फॉर्चुनर कार, फिर लगी आग, 5 लोग घायल। बंगाल के अलीपुर द्वार के नेशनल पार्क बंगले में लगी भीषण आग, प्रचंड आग का वीडियो आया सामने। बंगले में मौजूद कर्मचारियों के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। ऋषिकेश में बंद गोदाम में धधकती आग, आग से रखे हुए केमिकल ड्रम फटे। देहरादून के आईडीपीएल प्लांट के पास जंगल में लगी आग, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर। आगरा में महिला ने पूर्व प्रेमी की बेसबॉल बैट से पीट पीट कर हत्या की, हत्याकांड में शामिल 4 लोग गिरफ्तार। रजौरी में अचानक चलती बस पलटी, हादसे में 9 घायल। बांदा में कई घर में चिंगारी से लगी आग, लोगों का हुआ काफी नुकसान। नोएडा सटे गांव हेबतपुर में 1 महीने से बिजली व्यवस्था खराब, लोगों की लगातार शिकायत के बाद प्रशासन नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई। दिल्ली में अगले 3 से 4 दिन में बारिश के आसार, फिलहाल भीषण गर्मी से झुलझ रही है राजधानी। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में बिजली की रिकॉर्ड तोड़ मांग, 8,507 मेगावाट पहुंची डिमांड, हीट वेव ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। करनाल में भीषण गर्मी का कहर, बिजली विभाग में लगे ट्रांसफॉर्मर को पानी मारकर ठंडा किया जा रहा है।
कानपुर में लू के कारण एक पुलिसकर्मी की मौत, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बनाया वीडियो। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गर्मी का प्रकोप, गर्मी का असर सब्जियों और अन्य मौसमी फलों पर पड़ रहा है। मुंबई के हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स से आया धमकी भरा मेल, कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पड़ताल के बाद कुछ संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। बारामती में बिजली की चपेट में आने से एक परिवार के तीन की मौत, परिवार में पसरा मातम। बड़ौदा एयरपोर्ट समेत 15 एयरपोर्ट को बम उड़ाने की धमकी भरा ईमेल, पुलिस जांच के बाद साबित हुआ अफवाह।